और एयरपोर्ट पर लड़ाई हो गई है, एयरपोर्ट पर दो लोगों की लड़ाई हो गई है और हाथापाई गंदी वाली एकदम। ही सेल्फ फाइटिंग मैन दिस गाइस। गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम फाइनली निकल रहे हैं गोवा से मुंबई के लिए। बहुत घूमना हो गया तो हमने सोचा कि अब थोड़ा काम पे ध्यान दिया जाए। यस, अभी अब बहुत चिल मार लिया, बहुत चिल मार लिया, बहुत लेजी हो गए। मुंबई जाके काम करेंगे, हाँ, फिर पैसा कमाएंगे, फिर घूम जाएंगे। अभी जस्ट हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। आई थिंक मॉर्जिम से 1.5 से 2 घंटा लगता है पहुँचने में। मैं आपको लगेज दिखाती हूँ। हमारा लगेज बैग है, ये आशीष है, नताशा, हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं। गाड़ी आने में लगेगा 2 मिनट और मैंने, उसके बाद हम गाड़ी में बैठेंगे और सीधा एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट जाके हम सबसे पहले लंच करेंगे। आशीष कह रहा है कि कोकम से आंखें तेज होती है, किसने बोला? नताशा प्रूफ मांग रही है, नताशा बिना प्रूफ के बात ही नहीं करती। अब आशीष के पास जवाब नहीं है। आशीष ने आंखें तेज होती है, तेरा बाइसेप बढ़ रहा है, उसे आंखें तेज होती है क्या? ठंडा करता है बॉडी टेम्परेचर को डाउन कर देता है, हीट हीट जो होती है ना बॉडी के अंदर। तो फाइनली हमारी गाड़ी आ चुकी है गोरी, और ये गाड़ी वाले भैया हमारा बहुत टाइम से फोन नहीं उठा रहे थे, नताशा बहुत चिड़ी हुई है। आई नहीं रहा था, फोन ही नहीं उठा रहा था ना, गुस्सा आता जब ऐसे करते हैं। एटलीस्ट फोन तो उठाना चाहिए भैया को, बट ठीक है, हमारी मजबूरी है। तो फाइनली हम लोग गाड़ी में बैठ गए। बहुत लेट हो गए हैं भैया ने गाड़ी लेट कर दी 20 मिनट, ले जाएगी 500 रुपये कट जाएंगे, 20 मिनट लेट कर देंगे। तो आज हमारा गोवा का लास्ट डे है और फाइनली हम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। थोड़ा लेट हो गए हैं बट हमने वेब चेक इन कर लिया था तो इतनी प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, पर इसको नींद आ रही है। बट गोवा को हम हमेशा जब भी जाते हैं मिस करते हैं, गोवा की वाइब ही अलग है यार, मज़ा आता है यहाँ पे, कहीं पे भी नहीं। इवन इस बार हमने सोचा था कि हम अपना न्यू ईयर गोवा में नहीं मनाएंगे, कहीं और जाएंगे, बट घूम फिर के हम गोवा में ही आए और मज़ा भी आया यहाँ पार्टी वार्टी करने में, अच्छा है, फन है। अब मिलेंगे आपको हम 1 से 1.5 घंटे में मुंबई पहुँच जाएंगे यहाँ से फ्लाइट से। तो हम लोग जा रहे हैं फ्लाइट के अंदर और एयरपोर्ट पर लड़ाई हो गई है, एयरपोर्ट पर दो लोगों की लड़ाई हो गई है और हाथापाई गंदी वाली एकदम। जैसे एक बंदे ने बस इंग्लिश में कुछ चार पाँच लाइनें बोली, दूसरा बंदा जबरदस्ती आर्गुमेंट कर रहा है, घूमता हुआ उड़ता हुआ उसको घूमते ना, घुमा के रात मारो, अगेन अगेन। गाइस अभी भी खबर मिलेगी उस फ्लाइट में एक बंदा है उसको बुखार है, मेरे को डर है कहीं से कोरोना ना हो, तो सब लोग बहुत डरे हुए हैं इस टाइम, बहुत घबराए हुए हैं और मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ हूँ और वो बंदा मेरे पीछे ही है जो कि जिसका हम सब दिखा देते हैं, वो बंदा मेरे पीछे, उसको बहुत तेज़ बुखार है, 102 डिग्री बुखार है उसको। मेरे को भीड़ देखो, नीचे एक लाइन लगी है और वो बंदा सबके मुंह में खांसता आ रहा है बहुत बुरी तरह से। गाइस मैं जब भी अगर आपके बगल में कोई भी बंदा खांस रहा हो प्लीज तुरंत उसके मुंह में 2 चप्पल मारो। और तू खांसी तो थोड़ी देर में यही खांसेगा सर, थोड़ी देर में यही खांसेगा, चप्पल लेने लाशा। हम मुंबई पहुंच गए और हम लगे इसका वेट कर रहे हैं, लगे जब तक आया नहीं है, आधे घंटे से वेट कर रहे हैं। हम वेट कर रहे हैं अपने लगेज का, हमारा लगेज नहीं आ रहा है, हम बहुत परेशान हैं, हमने बहुत ट्रिप खराब कर दी इतना बुरा हमें कभी नहीं लगा एयरपोर्ट पे,
हमारे आधे घंटे की फ्लाइट थी, हमें 2 घंटे की लग रही थी आज, पर हम फाइनली मुंबई पहुंच गए हैं। अब किसी के पास काम होगा तो काम दे देना, हम काम करने आए मुंबई। थोड़ा गलत है, मंजे की दाढ़ी सफ़ेद हो रही है, मंजे की दाढ़ी सफ़ेद हो रही है। अभी तक हमारा लगेज नहीं आया, तो सारे लोग हैं। तो हम लोग ओला बुक कर रहे थे, बट क्या हुआ कि ओला बुक करने से पहले आशीष ने ओला कैंसिल करवा दी, क्योंकि मुझे हल्दीराम दिख गया। अब खाएंगे फिर ओला बुक करेंगे फिर घर जाएंगे। तो हम लोगों को भूख भी लगी थी, हम एयरपोर्ट पे हल्दीराम है, तो हम मुंबई एयरपोर्ट पे हल्दीराम है, तो हम वहाँ पे हल्दीराम खा रहे हैं। हल्दीराम बहुत टेस्टी है, दिल्ली में बहुत फेमस है हल्दीराम। तो हमें जैसे देखा, हम हमसे रहा नहीं गया और हमने यहाँ पर अपनी आँखें मलते तो ठीक है, जब हमारा ऑर्डर आता है उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे ऑर्डर में क्या क्या किया हमने। और मेरा आ गया छोरा भटूरा, तुमने फोटो इतनी वहाँ पे क्लिक की, खाने दो चैन से छोड़ दूंगा इसको। आज ये फोटो में खाता हूँ, फुला दिस इज द रीजन।